हेलो एवरीवन, आज मैं धुसका बनाने वाली हूँ। झारखंड की फेमस नाश्ता रेसिपी जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर कितना फूला फूला धुसका बना हुआ है। तो मैं इसके लिए, देखिए मैं यहाँ पर चावल ले रही हूँ, कोई भी चावल जिससे चीला इडली बनता है वो चावल ले लेना है। कोई भी एक बर्तन लेना है, कटोरी, उसी से नापना है। तो मैं यहाँ पर 2 कटोरी ली हूँ चावल, और यहाँ पर उड़द दाल मैंने आधा कटोरी, और चना दाल लगभग मैंने 1 कटोरी लिया है। और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे। कोई भी एक बर्तन का नाप लेना है, उसी से इस तरह से नाप के बनाना है, तो धुसका बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद मैंने 3-4 पानी धो लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद साफ पानी लेंगे और इसे 4 से 5 घंटा भीगने के लिए छोड़ देंगे। और आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पर चना लिया है सब्जी के लिए, इसे भी भिगा लेते हैं और रख लेते हैं। तो मैंने, देखिए यहाँ से 4 से 5 घंटा हो गया है, और इसका पानी को हटा लेंगे। उसके बाद जार में आधा जार लेंगे, और जितना में ये चावल पीस जाए बस उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से देखिए पीस लिया है। इसे बिल्कुल पतला नहीं पीसना है, इस तरह से गाढ़ा ही पीसना है। बाद में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएंगे। तो इसी तरह मैंने एक बार पीस लिया है, अगली बार भी मैंने पीस लिया। अब थोड़ा सा फिर से चावल बचा हुआ है तो मैं इसे डालती हूँ, और इसके साथ में मिर्ची, अदरक और काली मिर्ची 6 से 7 दाना मैं डालूँगी। अदरक यहाँ पर मैं 1/2 इंच डाल रही हूँ काट कर, और थोड़ा सा हींग डालेंगे। आप चाहें तो ये सब नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है बिना मसाले का भी। तो देखिए मैं यहाँ पर डाल दी हूँ और इसे पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीस लिया है, और सारे को एक साथ मिला देंगे। तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं सभी को। चावल को पीसते समय ज़्यादा पानी नहीं डालना है। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर हल्दी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिलाते रहना है, 1/2 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह से फेंटते हुए मिलाएंगे ऊपर से नीचे। इस तरह से मिलाकर इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी इसे। थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ने से अच्छी तरह से धुसका फूलता है। तो तुरंत पीस के मत बनाइएगा, कुछ देर छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आलू मैंने साथ लिया है, और चना मैंने जो भिगाया हुआ था उस चना को सारे को मैं यहाँ पर डाल दूंगी, और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पका लेते हैं। इसका ढक्कन बंद करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और इसे लगभग मैं 6 से 7 सीटी आने तक पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने आलू चना को बॉईल किया है, पक चुका है आलू और चना। तब तक मैं यहाँ पर मसाले की तैयारी कर रही हूँ सब्जी के लिए। तो मैंने 3 हरी मिर्ची, अदरक 1 इंच का, और यहाँ पर मैंने काली मिर्ची 1/2 चम्मच लिया है, और जीरा मैंने 1 चम्मच लिया, और लहसुन मैंने यहाँ पर 12 से 13 कली लिया है, और सभी को पानी डालकर पीस लिया है। तो देखिए मैं यहाँ पर आलू को निकाल ली हूँ एक बर्तन में, और एक आलू को इस तरह से 4 पीस करूँगी, और चना भी अच्छी तरह से पक चुका है। तो इस तरह से सभी आलू को काट लेते हैं, बड़ा बड़ा ही पीस रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से बड़ा पीस रखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल लिया, तेल गर्म हो चुका था तो मैंने जीरा डाला, जीरा चटक गया तो 2 प्याज, छोटे प्याज को मैंने काटा, और 2 तेज़पत्ता उसे मैंने डाल दिया, और यहाँ पर मैं हींग डाली हूँ थोड़ा सा। जब प्याज ब्राउन हो गया है तो यहाँ पर पिसा हुआ मसाला को डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पर ही मैं पका रही हूँ। मैं 1 मिनट इसे भून चुकी हूँ मसाले को, अब बिल्कुल लो फ्लेम मैं कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर 1 चम्मच, चना मसाला 1 चम्मच, सब्जी मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच मैंने काश्मीरी मिर्च लिया है कलर के लिए, और यहाँ पर 2 कटा हुआ टमाटर मैंने लिया है, और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनेंगे 2 मिनट तक, टमाटर थोड़ा सा गल जाए। तो 2 मिनट यहाँ पर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आलू चना को डाल दूंगी, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट भूनेंगे।
इसको भूनने से यहाँ पर आलू चना का सब्जी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसे बीच बीच में ढक कर भुना है और भूनते हुए ही आलू यहाँ पर टूट जाएगा और इसका ग्रेवी बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि धुसके के लिए बना रहे हैं तो ग्रेवी अच्छा होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 मिनट आलू और चना को भुना है। उसके बाद मैं यहाँ पर पानी 2 गिलास डाल दी हूँ और इसे ढक कर 2 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 मिनट हो चुका है, अच्छी तरह से आलू चना पक चुका है। तो मैं यहाँ पर धनिया पत्ता डाल दी हूँ और फ्लेम को कर दी हूँ बंद। सब्जी बन चुका है, इसे ढक कर रख देते हैं। और मैंने धुसके के लिए यहाँ पर 4 चम्मच तेल लिया है, कढ़ाई को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पर देखिए चावल जो पीसी हूँ उसको इस तरह से फेंट लेना है, अच्छी तरह से चलाना है। तो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 चम्मच लगभग मैं यहाँ पर गुनगुना पानी डालूँगी और इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। जब भी अगर गाढ़ा लगे धुसके के लिए जो चावल पीसे हैं, तो इसमें गुनगुना ही पानी डालिएगा तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने देखी इस तरह से फेंट रही हूँ, ऊपर से नीचे अच्छी तरह से चलाना है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक धुसके को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही बनाएंगे, जब अच्छी तरह से तेल गर्म हो जाए तो इसमें डालना है। तो मैं अभी एक चेक कर रही हूँ कि धुसका अच्छा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक डाला है, तो ये एक ही जगह इकट्ठा हो गया है, फैला नहीं है, बस फूला हुआ है। तो ये अच्छी तरह से धुसका नहीं तैयार हुआ है। धुसके के लिए जो चावल मैंने पीसा है उसमें मैंने फिर से 2 चम्मच पानी मिलाया, गुनगुना पानी, और मैंने उसे अच्छी तरह से फेंट कर अभी कढ़ाई में मैं फिर से डाली हूँ। तो इस तरह से देखिए अभी बिल्कुल फैल भी रहा है और फूल रहा है। तो अब सही तरीके से धुसके के लिए मैंने जो चावल पीसा वो तैयार है। तो अब इसी तरह से एक एक करके सभी धुसके को उलट पुलट कर बना लेंगे, बिल्कुल फूला फूला हुआ, देखिए अच्छी तरह से फूल चुका है। इसी तरह से मैं एक एक करके बनाऊँगी। अगर आपका कढ़ाई का सरफेस चौड़ा है तो एक साथ 3-4 धुसका बना सकते हैं, पर मेरे कढ़ाई का सरफेस देखिए इस तरह से है तो मैं एक ही बनाऊंगी। तो एक एक करके मैं धुसके को बना लेती हूँ। जिस तरीके से मैंने नाप बताया है चावल और दाल का, उस तरीके से बनाइएगा तो आपका भी धुसका फूला फूला बनेगा। और पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा, ज़रूरत के अनुसार ही। देखिए कितना अच्छा फूला सा बना हुआ है। तो इस तरह से मैं एक एक करके सारे धुसके को बना ली हूँ, देखिए इस तरह से। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जब जब धुसका बनाइए कढ़ाई में डालिए, देखिए इस तरह से मैं फेंट रही हूँ, उस तरह से नीचे से चलाते हुए फिर कढ़ाई में डालना है। तो देखिए मैंने आधे धुसके बना लिए हैं, अभी आधा बचा हुआ है। तो आप इसे फ्रिज में रख कर अगले दिन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए सभी धुसके फूले फूले बने हुए हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं ये धुसके। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।